इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने जापान के स्कॉलरशिप एग्जाम की पढ़ाई करी और उसको क्लियर किया, जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करने में। वेलकम टू न्यू होंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। और जैसा कि मैंने पिछले इस वीडियो में कंपेयर करके बताया था कि यूनिवर्सिटी से पढ़ने में, इंस्टीट्यूट से पढ़ने में और सेल्फ स्टडी करने में क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, वो सब भी आज इस एनालिसिस में काम आएगा। क्योंकि जापनीज लैंग्वेज स्टडी की बात करें तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेल्फ स्टडी दोनों का ही प्रोसेस फॉलो किया था, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा जापनीज लैंग्वेज लेवल ज़्यादा कुछ खास नहीं था और ना ही मैं पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ घूमना या बस क्लासेस अटेंड करना, लाइब्रेरी में जापान की पिक्चर बुक्स वगैरह से जापान की बेसिक नॉलेज गेन करना और बहुत ही बेसिक जापनीज बोल पाना, यही मेरी लाइफ थी। ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में ही रहता था और थोड़ा बहुत टीचर्स की हेल्प करने में, जैसे जापनीज लैंग्वेज या कल्चरल फेस्टिवल में या स्पीच कॉन्टेस्ट वगैरह में एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना। कांजी तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी बार नहीं लिखी। क्लास टेस्ट में भी मैं जापनीज कल्चर और लैंग्वेज की टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आंसर्स करके अच्छा स्कोर कर लेता था। एक दिन मुझे एक स्पीच कॉन्टेस्ट इवेंट में DU और JNU के सभी जापनीज डिपार्टमेंट के सीनियर्स और टीचर्स से मिलने का मौका मिला। वहाँ मैंने जाना कि जापान का स्कॉलरशिप स्टडी प्रोग्राम कितना वैल्यूएबल होता है जापनीज लैंग्वेज और कल्चर सीखने के लिए, लेकिन उसको क्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसमें थीसिस लिखना होता है जापनीज लैंग्वेज में, इंटरव्यू होता है और एग्ज़ाम होता है जिसमें हाईएस्ट जापनीज लैंग्वेज लेवल के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं जो कि डिफ़िकल्टी लेवल में N1 को भी पार कर जाते हैं। पैसेजेस इतने लंबे होते हैं कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता, सही आंसर निकालना तो दूर की बात है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी सिलेक्शन होना पक्का नहीं होता, 10 में से 3 या 4 को ही जापान का एयर टिकट और वीज़ा मिल पाता है जिसका क्राइटेरिया कहीं क्लियर नहीं है। इसके साथ मुझे ये भी पता चला कि JNU और DU स्टूडेंट्स में हल्का सा कंपटीशन भी चलता है जिसमें JNU स्टूडेंट्स की रैंक में भी आगे रहते हैं और DU स्टूडेंट्स का माना जाता है कि वो पीछे ही रहेंगे। बस मुझे यहीं पर अपने लिए एक चैलेंज और अपनी लाइफ का करियर पाथ मिल गया। मैंने ठान लिया कि मुझे हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और सिलेक्शन भी मेरा ही हो, इस लेवल तक जाना है। हालांकि JNU और DU के कॉम्पिटिशन से मुझे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्यों ना एग्ज़ाम भी क्लियर हो और टॉप रैंकिंग भी लाऊं ताकि ये कॉम्पिटिशन का खेल ही खत्म हो जाए। दोस्तों, एक बात होती है टारगेट को अचीव करना, लेकिन उस समय जो मुझे समझ आ रहा था वो ये था कि मुझे टारगेट को अचीव करके उसको क्रश करके उसको ज़मीन में दफना के उस पर फूल खिलाना है। अगर रिक्वायरमेंट है 1 बाल्टी पानी भरने की तो मुझे 100 बाल्टी पानी भरना है। अगर रिक्वायरमेंट है 1 तीर को निशाने पर लगाने की तो मुझे 100 तीर उस निशाने पर लगाने हैं। अगर रिक्वायरमेंट है 1 आदमी से लड़ने की तो मुझे जंग में आर्मी से लड़ने की काबिलियत रखनी है। अब एक बार मुझे जंग का पता चल गया तो अब उसके लिए हथियार भी इकट्ठे करने थे। मुझे याद है उस समय मेरा लेवल जापनीज लैंग्वेज लेवल के N4 के आसपास ही था और मेरे पास कुछ 10 महीने का टाइम ही था। तो पहली बात तो मुझे N1 तक का वो मटेरियल इकट्ठा करना था जो ना सिर्फ मुझे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्लियर करवाए बल्कि उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की ट्रेनिंग दे, जो ना सिर्फ मुझे जापनीज साइकोलॉजी का ज्ञान दे बल्कि इंटरव्यू क्वेश्चंस पर स्पीच देने जितनी काबिलियत भी दे दे। तो मैंने सबसे पहले लिस्ट बनाई और सारे मटेरियल की फोटोकॉपी करा डाली, कुछ मटेरियल जापान फाउंडेशन लाइब्रेरी से, कुछ DU से, कुछ JNU की लाइब्रेरी वगैरह से और बाकी मटेरियल अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट कर करके, क्योंकि उस ज़माने में ऑनलाइन एप्लीकेशंस तो क्या YouTube पर ठीक से जापनीज सीखने का भी कुछ ज़्यादा नहीं होता था। आजकल तो मटेरियल की भरमार है, लोग WhatsApp वगैरह से इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास 600 GB मटेरियल है, मेरे पास 800 GB मटेरियल है, लेकिन मैं कैसे N5 करूं? काश कोई बता दे। और अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप हिंदी में जापनीज लैंग्वेज को 0 से फुल एडवांस तक सीख सकते हैं तो जाइए nihongomax.com पर, जहां JLPT से लेकर बिजनेस जापनीज तक, काइवा से लेकर 1 काइवा तक सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, ओनली ऑन nihongomax.com। तो आज का टाइम तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन तब की बात और थी। पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरी थी वो भी लिमिटेड आवर्स तक की थी, इसलिए मैंने सर्च करके एक 24/7 खुलने वाली लाइब्रेरी ढूंढी जिसमें आउटसाइडर्स भी अलाउड थे, लेकिन सुबह 7 बजे से पहले। तो सुबह 6:30 बजे से लगातार रात के 8:30-9 बजे तक पढ़ाई करके 2-3 महीनों बाद मैं बहुत थक गया, मेरा सारा मटेरियल भी ख़त्म हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर से भी मैंने यही सीखा था कि अगर डिफ़िकल्ट जापनीज को बार बार रिवाइज करोगे तो वो ईजी हो जाएगी, और मैंने भी एग्जैक्टली वही किया। जैसे कि 1 दोकाई को सॉल्व करके सेम क्वेश्चन को 7 या 8 बार सॉल्व करना, उस दोकाई को 20-20 बार पढ़ के उसकी हर कांजी देख के ही पहचान लेना। मुझे याद है नई दोकाई भी एक ही बार में समझ के सॉल्व कर देने की एबिलिटी 2 महीने में ही आ गई थी मुझमें। JLPT भी कुछ सेम ही क्राइटेरिया मांगता है, सो एक सेटिस्फेक्शन ये भी थी कि JLPT का भी इसी में ही काम तमाम हो जाएगा।
कांजी के बारे में मैं हजारों बार क्लासेस में और इस यूट्यूब चैनल पे भी बता चुका हूँ कि लिखने और देखने में कोई फर्क नहीं होता। मैंने एक भी बार अपनी पूरी लाइफ में एक भी कांजी नहीं लिखी है, जिसका विरोध वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने नया नया यूट्यूब देखना शुरू किया या बड़ा मज़ा आता है उनको हेट कमेंट्स करने में या फिर जापनीज सीखने में दूसरों को डीमोटिवेट करने में मज़ा आता है। एनीवेज, उसके बाद मैंने रफ्तार पे काम करना शुरू करा। क्लॉक टाइमर लगा के जब मैंने जापनीज़ को पढ़ना शुरू किया तो सरप्राइजिंगली काफ़ी कम टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे और 10 में से 7 या 8 सही भी निकल रहे थे। अब बस 10 में से 10 ठीक होने का वेट था। कॉलेज में एक मेरी सीनियर थी जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रही थी, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया और गाइड भी किया। जो एक बहुत लंबा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है जिसमें थीसिस लिखना होता है, जापनीज़ यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट बिल्ड करना होता है, कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करनी होती है, इन सब में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। हमारी फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी हो गई थी और मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी होने लगा था क्योंकि मेरा क्लॉक का टाइम वापस 100 पे आ गया था जो कि 70-80 होना चाहिए था। मैं तुरंत समझ गया कि अभी का जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ क्लियरली समझा दिया और वापस अपने एग्ज़ाम पे फोकस करने लगा जिसमें अब सिर्फ एक ही महीना रह गया था। मैंने अब तक सब कुछ ख़त्म कर लिया था, एक बहुत बड़े वॉल्यूम को ऑलमोस्ट पूरा डाइजेस्ट कर लिया था और DU का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कि असली एग्ज़ाम में बैठने का एक टेस्ट होता है वो भी क्लियर कर लिया था। जापान से भी एप्लीकेशन ओके और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ओके का लेटर आ चुका था, मेडिकल चेकअप भी हो चुका था, बस अब बारी थी इंटरव्यू प्रिपरेशन की। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे वाई जापनीज, वाई दिस यूनिवर्सिटी एंड नॉट अदर, वाई दिस एग्जाम, योर फ्यूचर ड्रीम एंड वाई, हाउ डज इट मैच योर करंट वर्क्स, और वाई दिस स्पेशलिटी अबाउट जापनीज कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड यू। सुनने में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस लगते हैं लेकिन तब तक मुझे जापनीज साइकोलॉजी का पता चल चुका था कि ये बहुत ही डीप और सॉलिड रीजंस मांगते हैं जो कि आपके पास्ट रिकॉर्ड और फ्यूचर एस्पिरेशंस से मैच होना चाहिए। अगर आपने फ्लावरी बातें करी जो कि वो मुंह खोलते ही पहचान लेते हैं तो बस वहीं पर सब कुछ ख़त्म, जो कि 90% स्टूडेंट्स को ये बात समझ ही नहीं आती है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें ये समझाऊंगा कि ग्रामेटिकली करेक्ट जापनीज़ और कल्चरली करेक्ट जापनीज़ बोलने में क्या फ़र्क होता है। एनीवेज, तो अगेन मैंने 3-4 क्वेश्चंस के लिए लगभग 50 क्वेश्चंस बनाए और उन 50 क्वेश्चंस के लिए 100 आंसर्स बनाए, उनको चेक करवाया, फाइनलाइज कराया, रीचेक कराया, जिसमें ऑलमोस्ट 10 दिन 10 रातें लग गए, और फिर लगातार बिना रुके प्रैक्टिस करी, उन्हें अलग अलग सिनेरियोज में बोला, अलग अलग सिचुएशंस में बोला, अलग अलग लोगों के सामने बोला। इसमें और भी बहुत डीप कैलकुलेशंस और तरीके लगाए मैंने, जो अगर मैं बताने लगूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो टीचर्स और सीनियर्स का भी एक्सपीरियंस और उनकी गाइडेंस भी बहुत काम आई, जिनके लिए मैं हमेशा बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगा। फाइनल एग्जाम का दिन आया और सुबह सुबह ही मैं बहुत अलग सा फील कर रहा था, जो अगर मैं समझाने लगूँ तो आप सोचेंगे कि मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फटाफट से अपनी फीलिंग समझाऊँ तो उस दिन मुझे उन क्वेश्चंस का या कहें तो उन कोटेशंस का मतलब समझ आ गया, जैसे जर्नी इज जॉयफुल देन डेस्टिनेशन या इट्स योर वर्क दैट मैटर्स ओवर द रिजल्ट। उस दिन शायद मैं एक मैच्योर एडल्ट की तरह सोचने लगा था कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं अपनी नज़रों में सक्सेसफुल बन चुका हूँ क्योंकि मैंने एक सक्सेसफुल माइंडसेट अचीव कर लिया है। एग्ज़ाम हुआ और उसका रिजल्ट 2 महीने बाद आया, मेरा फर्स्ट रैंक आया था। 1 महीने बाद सिलेक्शन ओके का लेटर भी आ गया और 3 महीने बाद जब मैं लाइफ में पहली बार एरोप्लेन में बैठा और देखा कि नीचे बारिश में से बादलों के ऊपर जाके प्लेन धूप में आ गया है और नीचे काले बादल और बिजली चमक रहे हैं और ऊपर तेज़ धूप निकल रही है, ओसाका एयरपोर्ट पर लैंड होने की अनाउंसमेंट हो रही है और इमेजिनेशन से भी सुंदर जापान में पहला कदम रखने वाला हूँ, मुझे नीलम स्ट्रॉन्ग की तरह फील हो रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया कि इस माइंडसेट को गिरने नहीं दूंगा और सेम मेहनत जापान में भी करके दिखाऊंगा। इंडिया आके भी पूरी कोशिश करूंगा कि अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर सकूं कि अगर सोच लो तो लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आने वाले वीडियोस में अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि जापान में मैंने क्या क्या किया, वहाँ क्या कैसे कैसे लोगों से दोस्ती करी, वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और जापानीज़ पढ़ने की मोटिवेशन भी मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद निहोंगो मैक्स। थैंक यू सो मच।